मामला पुवैया थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का है, जहां शादी समारोह की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब गोली लगने से किशोर की मौत हो गई। बता दें कि शादी समारोह में गए 16 वर्षीय ओम राठौड़ को हो रहे फायरिंग के दौरान सीने में गोली लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन शुरू कर दी है। आपके साथ में नाम क्या हो गया, क्या मामला था? गोली मार दी। किसने? नौकरी। क्यों मारी? कोई विवाद ही हुआ था? दिल में चलाए गोली। लड़का कहाँ पर था जब गोली मारी उसकी? बारात में था। जब बारात में गए हुए थे, हवा में फायरिंग करते समय गोली लग गई, मतलब उनका मारने का मकसद नहीं था? नहीं, कल शादी में गए थे हम लोग। शादी में जाने के बाद वहाँ पर फेयरिंग की, एक लोगों ने फेयरिंग की। फेयरिंग करने के बाद एक छोटा बच्चा मेरा भाई खड़ा था वहाँ पर, चाचा का लड़का, उसके गोली लग गई। वो तो ख़त्म हो गया, वो तुरंत चला गया। उसके बाद पुलिस आई। पुलिस आने के बाद ये हुआ कि पुलिस ने क्या काम किया, पुलिस ने तुरंत गोली संभाली और पन्नी में डाल के तुरंत गाड़ी ली। उसकी माँ ने कहा कि हमें बैठा लो, पुलिस ने तुरंत गाड़ी एकदम भगा दी और वो बहुत दूर जाकर गिरी जाके। उसके बाद क्या हुआ? थाने में जब आए हैं तब मैंने पूछा कि मेरी बॉडी कहाँ है, तो पुलिस वाले पुलिस ने अजरा थप्पड़ मेरे डैडी के ऊपर चलाने लगे। वाया में काशीराम कॉलोनी में एक विवाह समारोह था, उसमें ये युवक जो मृतक है ये गया हुआ था। उसी वक्त एक अन्य व्यक्ति राहुल से इसकी कुछ कहा सुनी हुई और इसमें उसने गोली मारी, से इसकी मृत्यु हो गई। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, अभियुक्त की तलाश की जा रही, 3 टीमें लगाई गई हैं, बहुत जल्दी ही इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। मौके पे जो भी फोटो वीडियो हुए उनको भी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जो घटना है उसके बारे में सच्चाई पता चल सके। अभियुक्त की विवेचना की जा रही, शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए।